जी हाँ दोस्तों, आप सभी का नमस्कार। आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ स्टार में आपका स्वागत है। मैं हूँ सुनील कुमार। यदि आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहाँ जा करके देख सकते हैं। यदि आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहाँ जा करके ज्वाइन कर सकते हैं। मैं वहाँ क्विक सपोर्ट देता हूँ। मैं बहुपद प्रश्नावली 2.4 का मैं क्वेश्चन नंबर आज दूसरा लेकर के आया हूँ। चलिए चलते हम क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ से, एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए जिसके शून्यकों का योग दो शून्यकों एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों के गुणनफल क्रमशः हो। अब देखिए यहाँ से बोला गया है, इसका मतलब क्या है, जिसके शून्यकों का योग, इसका मतलब क्या, अल्फा बीटा और गामा। देखिए तीनों शून्यक दिया गया है तो क्या करेंगे, तीनों क्या बोला गया है, जिसके शून्यकों का योग, इसका मतलब क्या है, त्रिघात है बोला गया है तो क्या करेंगे हम यहाँ से। देखिए सबसे सिंपल, अल्फा प्लस बीटा और प्लस क्या करेंगे, गामा। जी आप इसको डिटेल से पिछला वीडियो में पढ़ चुके हैं। देखिए यहाँ से तो क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या दिया गया है, यहाँ से देखिए क्रमशः में 2। अब देखिए यहाँ से दो शून्यकों एक साथ लेकर, अब देखिए जब बोला गया है दो शून्यकों एक साथ लेकर तो क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर कितना दिया गया है। अब देखिए यहाँ से तो -7। अब देखिए बोला गया है तीनों शून्यकों के गुणनफल, तीनों शून्यकों का गुणनफल, इसका मतलब क्या, अल्फा इंटू बीटा इंटू क्या है, गामा। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा कितना दिया गया है, माइनस यहाँ से 14। अब देखिए त्रिघात बहुपद ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला, यहाँ से देखिए एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। फिर देखिए यहाँ से प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या करेंगे हम, इसको 0 कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ से अभी त्रिघात समीकरण प्राप्त कर रहे हैं, इसको क्या करेंगे हम मिटा लेंगे यहाँ से, 0 बराबर क्या है, 0 है, 0 मिटा देंगे तो क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा। वैसे अब क्या है, त्रिघात समीकरण। अब देखिए यहाँ से बोला गया है त्रिघात बहुपद ज्ञात करने के लिए, यहाँ से हम 0 मिटा देंगे तो क्या हो जाएगा, त्रिघात बहुपद हो जाएगा, 0 लगा देंगे क्या हो जाएगा, त्रिघात समीकरण हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से त्रिघात बहुपद बोला गया है, इसीलिए हम क्या करेंगे, बराबर 0 नहीं लगाएंगे। अब देखिए यहाँ से सबका क्या करेंगे, इसका मान हम रख देंगे यहाँ से। अब देखिए एक्स क्यू रहेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसका वैल्यू देखिए यहाँ से क्या दिया गया है। अब देखिए यहाँ से चिन्ह है माइनस, अब इस पूरा का वैल्यू क्या है, यहाँ से यहाँ तक का देखिए, यहाँ से 2 दिया गया है तो यहाँ से क्या लिखेंगे, 2। अब देखिए इंटू में एक्स स्क्वायर के साथ गुणा किया गया तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे। अब देखिए यहाँ से अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा और प्लस गामा इंटू अल्फा, इसका वैल्यू देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या दिया गया है, यहाँ से यहाँ तक देखिए -7 दिया गया, तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ प्लस है क्वेश्चन में माइनस है तो क्या करेंगे, यहाँ प्लस लिखेंगे माइनस, यहाँ से देखिए माइनस क्या है, 7x, यहाँ देखिए x दिया गया है तो यहाँ 7x लिख देंगे, इसको कोष्टक लगा देंगे। अब देखिए यहाँ से माइनस है तो माइनस लिखेंगे। अब देखिए यहाँ से अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, गामा का वैल्यू क्या दिया गया है, माइनस में
अब देखिए माइनस में 14 दिया गया है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, सभी का वैल्यू हम बैठा लिए। अब देखिए यहाँ से सबसे सिंपल हम क्या करेंगे, एक्स क्यूब माइनस है तो माइनस लिख दिए, 2x स्क्वायर लिख दिए, माइनस 2x स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ यहाँ क्या है प्लस और यहाँ माइनस है, तो गुणा करेंगे तो माइनस, देखिए माइनस यहाँ क्या है 7 को, 7x है तो यहाँ से लिखेंगे 7x। अब देखिए माइनस और माइनस को गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, अब क्या है यहाँ 14 दिया गया है 14 लिखेंगे। अब देखिए द्विघात बहुपद यहाँ से क्या हो गया ज्ञात हो गया, त्रिघात बहुपद ज्ञात हो गया, यहाँ से लिखेंगे त्रिघात, त्रिघात बहुपद एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर प्लस 7x, सॉरी माइनस 7x और प्लस 14, देखिए यहाँ से 14 क्लियर हो गया, त्रिघात बहुपद इतना इतना है, देखिए प्राप्त हो गया। तो इस तरह से क्या हुआ, इसका आंसर पूरा हुआ। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखिए यहाँ से चलिए चलते हम क्वेश्चन की ओर, देखिए यहाँ से यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के शून्यक a माइनस बी कॉमा a कॉमा a प्लस बी हो तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए बोला गया है शून्यक दिया गया है, जब इसका मतलब क्या 3 शून्यक है, देखिए यहाँ से तीनों शून्यक दिया है अल्फा बराबर ए माइनस बी, और देखिए यहाँ से तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा बराबर ए माइनस बी, बीटा क्या हो जाएगा ए, और गामा क्या हो जाएगा ए प्लस बी। अब देखिए यहाँ से तो सबसे सिंपल में क्या करेंगे ए, अब देखिए ए और बी का मान जब बोला गया ज्ञात करने के लिए, यहाँ से सबसे सिंपल में हम क्या करेंगे, अब देखिए हम फार्मूला ले लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा और प्लस क्या है गामा बराबर क्या होता है माइनस बी बाई ए। अब देखिए यहाँ से हम प्राप्त कर लेते हैं ए और बी और क्या है सी और डी का वैल्यू, त्रिघात दिया गया है, देखिए यहाँ से इस फॉर्म में ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स और प्लस क्या है डी। अब देखिए त्रिघात बहुपद है, अब देखिए इसको हम यहाँ से देखेंगे a बराबर कितना है x क्यू का गुणांक कुछ नहीं तो क्या है 1 छुपा रहता है, अब देखिए 1, अब देखिए b का वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं, b का वैल्यू क्या दिया है 3 माइनस में, अब देखिए c का वैल्यू यहाँ से तो c का वैल्यू क्या है x का गुणांक कुछ नहीं है तो क्या है 1 छुपा रहता है, अब देखिए d बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से d बराबर हो जाएगा यहाँ से देखिए 1, अब देखिए यहाँ से 1 दिया गया है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे सबसे सिंपल, अब देखिए हम क्या करते हैं a और b का वैल्यू निकालना है तो डायरेक्ट हम यहाँ से क्या करेंगे अल्फा इंटू बीटा इंटू क्या करेंगे गामा, अब देखिए इसके बराबर क्या होता है माइनस डी बाई ए। अब देखिए हम दोनों ये दोनों फार्मूला पर हम निकाल लेंगे आसानी से, अब देखिए क्या करेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तीनों को हम जोड़ देते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस क्या है गामा, अब क्या करेंगे हम इन तीनों को जोड़ेंगे, देखिए यहाँ से तो ए माइनस बी प्लस, अब ए जोड़ना है देखिए यहाँ से ए प्लस क्या करेंगे ए प्लस बी, देखिए यहाँ से अब देखिए यहाँ से सब में कोष्टक लगा लेते हैं, अब देखिए इसको हम क्या करते हैं बारी बारी से बाहर निकाल लेते हैं, इतना पर भी हम छोड़ सकते थे a माइनस बी, अब देखिए यहाँ से क्या लिखेंगे a माइनस बी, अब देखिए यहाँ से प्लस a प्लस क्या करेंगे a प्लस बी, देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे सबसे सिंपल b से b क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, देखिए यहाँ माइनस में और क्या है प्लस में दिया है तो हमारा बचा क्या 3a, देखिए 1 2 3 वो ए है तो हम क्या करेंगे सब जोड़ में
क्या करेंगे, इसको 3a लिखेंगे। अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू क्या दिया गया है, माइनस बी बाई ए। अब देखिए यहाँ से इसके जगह पर हम क्या लिखेंगे, माइनस बी बाई ए। देखिए माइनस बी का वैल्यू क्या दिया गया है, यहाँ से देखिए माइनस बी बाय ए पूरा की जगह पर, तो माइनस बी बाय ए। इसके लिए देखिए हम क्या करेंगे, इसको हम मिटा लेंगे अभी। अब देखिए माइनस में 3 है, यहाँ क्वेश्चन में यहाँ क्या दिया है, फार्मूला में भी माइनस है, तो यहाँ से देखिए हम क्या करेंगे, इसके जगह पर हम लिख लेते हैं माइनस 3। माइनस बी का वैल्यू देखिए, यहाँ से देखिए बी का वैल्यू माइनस 3 है, और ये क्या है फार्मूला से, तो इसको हम क्वेश्चन में लिख लेते हैं ए। ए का वैल्यू देखिए कुछ नहीं तो क्या है 1 है। अब इसके देखिए यहाँ से तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, देखिए गुणा करके यहाँ से डायरेक्ट 3 हो जाएगा, यहाँ से क्या लिखेंगे 3a। अब देखिए यहाँ से a का वैल्यू हम क्या करेंगे, a बराबर डायरेक्ट हम लिखेंगे, इसलिए a बराबर 3। इधर देखिए गुणा में इधर क्या हो जाएगा, भाग में कट करके क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसीलिए a का वैल्यू क्या आ गया, a बराबर 1 आ गया। देखिए यहाँ से अब हम क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ से a का वैल्यू हम रख देते हैं। अब देखिए इसमें सभी जगह हम क्या करते हैं, ए का मान हम रख देते हैं, ए के जगह पर हम ए का वैल्यू रख देते हैं। देखिए यहाँ से तो हम क्या करेंगे, यहाँ से अब देखिए इस फॉर्मूला बैठाते हैं, इसको हम थोड़ा मिटा लेते हैं पहले। देखिए ए का वैल्यू निकल गया है यहाँ से, क्या करेंगे a का मान हम देखिए इस गुणनफल में रखेंगे। यहाँ से देखिए अल्फा इंटू बीटा इंटू क्या है गामा। अब देखिए इसको क्या करेंगे, हम तीनों को गुणा करेंगे। अब देखिए a का वैल्यू हम सभी जगह रख लेंगे यहाँ से, इसको देखिए a माइनस बी इंटू ए। देखिए इसके बीच में किस क्या है, कोई चिन्ह है, क्या करेंगे हम यहाँ से गुणा का चिन्ह लिखेंगे। अब देखिए इसके बीच में कुछ नहीं है तो क्या करेंगे हम गुणा का चिन्ह लिखेंगे। यहाँ से देखिए इसको क्या लिखेंगे, a प्लस बी। अब देखिए क्या करेंगे, a का मान हम सभी जगह यहाँ से रख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 1 माइनस बी। a के जगह पर हम क्या कर रहे हैं, 1 रख रहे हैं यहाँ से। अब देखिए यहाँ से गुणा का साइन है तो क्या लिखेंगे, गुणा। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, a के जगह पर क्या रखेंगे, यहाँ से देखिए 1 है तो 1 रखेंगे, फिर गुणा का साइन है। देखिए अब यहाँ से क्या a माइनस ए प्लस बी दिया गया है, तो ए का वैल्यू हम रखेंगे तो क्या करेंगे 1 प्लस बी। देखिए यहाँ से सबसे सिंपल। अब देखिए हम यहाँ से क्या करेंगे, a से गुणा एक से गुणा करेंगे कि तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसको हम क्या करेंगे 1 माइनस बी इंटू ए प्लस बी कर देंगे। अब देखिए यहाँ से सबसे सिंपल में क्या करते हैं, इसको हम मिटा लेते हैं। अब देखिए आप पिछला वीडियो में फार्मूला पढ़ चुके हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब देखिए इस फॉर्म में दिया गया, यहाँ से यहाँ तक इस फॉर्म में दिया गया, अब इस फॉर्म में हमको लाना। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, तो ए का स्क्वायर देखिए इसको ए मानेंगे और इसको बी, इसको ए और इसको बी, फिर इस फॉर्म में आ जाएगा। अब देखिए डायरेक्ट यहाँ से हम क्या कर देते हैं, 1 का स्क्वायर माइनस क्या करेंगे हम b का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से अब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अब देखिए अल्फा बीटा इंटू क्या है, अल्फा बीटा और गामा। देखिए यहाँ से तीनों दिया गया है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या दिया गया है, माइनस डी बाई ए। अब देखिए यहाँ से इसके जगह पर क्या रखेंगे, माइनस डी बाई ए, तो माइनस डी बाई ए। अब देखिए यहाँ से क्या दिया गया है, माइनस डी का भी देखिए फार्मूला से क्या दिया गया है, माइनस यहाँ डी का वैल्यू 1 है, यहाँ से क्या लिखेंगे तो माइनस 1, एक माइनस हो गया फार्मूला से, क्वेश्चन से देखिए क्या है 1, ए ए का वैल्यू क्या दिया गया है 1, यहाँ से लिख दिए 1, बट्टा में क्या होता है 1 छुपा रहता है, इसको क्या लिखेंगे माइनस 1। अब देखिए यहाँ से तो माइनस 1, अब देखिए यहाँ से सबसे सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ से 1 हो जाएगा
वन का स्क्वायर करेंगे तो वन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, माइनस बी का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से, यहाँ माइनस वन दिया गया है और इधर प्लस में है, तो इधर क्या हो जाएगा माइनस में। अब देखिए क्या किए, जगह हम चेंज किए हैं तो क्या चिन्ह भी चेंज हो गया। अब देखिए इसके बराबर क्या होगा, माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए माइनस एक और माइनस दो तो क्या हो जाएगा, माइनस एक और माइनस एक तो क्या हो जाएगा माइनस दो। अब देखिए क्या है, माइनस बी स्क्वायर तो क्या करेंगे, माइनस से माइनस हम क्या करेंगे कैंसिल कर दिए। अब देखिए यहाँ से हम क्या लिखेंगे, सबसे सिंपल इधर से, इसीलिए क्या हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर, इधर स्क्वायर हटा दे इधर क्या होगा रूट चढ़ेगा, जब रूट चढ़ेगा तो क्या होता है प्लस माइनस दोनों चिन्ह होता है। अब देखिए यहाँ से सॉरी स्क्वायर तो बी हट जाएगा, देखिए यहाँ से स्क्वायर हटेगा इधर क्या होगा रूट चढ़ेगा, तो रूट जब चढ़ेगा तो क्या होगा प्लस माइनस दोनों हो जाएगा। तो अब इसीलिए देखिए यहाँ से ए का वैल्यू क्या हो गया, ए का वैल्यू वन, अब बी का वैल्यू क्या आ गया देखिए यहाँ से, तो इस तरह से क्या हुआ आंसर पूरा हो गया, ए और बी का वैल्यू दोनों प्राप्त हो गया यहाँ से। यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके हमें बताइएगा जो यह वीडियो आपको कैसा लगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा करके ऑल नोटिफिकेशन दबा दीजिए, इससे यह होगा कि जब भी कोई वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा, यह वीडियो को सबसे पहले आप देख पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।